आज हम अपने न्यू आईफोन 12 की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जो कि मैंने मंगवाई है रिलायंस डिजिटल से। ये ग्रीन कलर की है और साथ में मैंने एक पोपियो का अमेज़ॉन से टेम्पर ग्लास भी मंगवा लिया है। ये थोड़ा सस्ते का है, बट ठीक है, फ़ोन इतना महंगा हो तो टेम्पर ग्लास सस्ता चलता है। तो देखते हैं खोल के, पैकेजिंग तो ऊपर से ठीक ठाक लग रही है बट अब अंदर का पता नहीं, सो खोल के देखते हैं कैसा है। देखते हैं, तो खोल के हमें कुछ ऐसा दिख रहा है अंदर से। इसमें एक फ़ोन का पैकेज जो कि रिलायंस डिजिटल से है, और क्योंकि अब हमें पता है कि एप्पल के साथ ब्रिक नहीं मिल रही है, चार्जिंग ब्रिक मतलब अडैप्टर, तो हमें वो भी मंगवानी पड़ी। और ये साथ में कुछ बिल वगैरह है, इसे बाद में देखेंगे और अंदर से खा। तो चलिए पहले फ़ोन को रैपअप करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसे फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, इसको रखते हैं भाई। एंड दिस इज़ आईफोन 12, एप्पल का लोगो दिख रहा हो आपको, पता नहीं उल्टा है सीधा, हाँ ये सीधा है शायद। और ये यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो देखते हैं पहले। आईफोन 12 खोलना बड़ा आसान होता है, बस ये यहाँ से पकड़ा और खोल गया। इसको साइड में करते हैं एंड अब फोन की अनबॉक्सिंग। यस इट इज़ ग्रीन कलर की आईफोन 12। देखते हैं क्या खास है फ़ोन में। और फ़ोन है जो कि बहुत हल्का है, इट्स टू मच लाइट। अंदर एक केबल और साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन और साथ में पेन भी है और एक एप्पल स्टिकर, ठीक है, इतने कुछ है। तब तक इसको साइड करते हैं एंड पहले हम लोग ब्रिक निकाल के देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। इन सबको साइड करते हैं और ब्रिक अब खोलते हैं। और ये रहा एप्पल ब्रिक, USB-C 20 वोल्ट पावर अडैप्टर, पता नहीं सीधा दिख रहा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट यही है। और चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, कुछ है तो नहीं इसमें ज़्यादा कुछ खास। तो ये खुल गया है अंदर, जी हाँ, ये पावर अडैप्टर। ये ऑर्डर और इन दोनों का कॉम्बो है, ये जाएगा इसके अंदर, ये फ़ोन के अंदर और शायद से ये इसके अंदर, आई थिंक सो, देखते हैं। जी हाँ, और ये फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा। सो इसके साथ मैंने टेम्पर ग्लास भी लिया अमेज़ॉन से, तो इसके भी अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं वरना ये भी बुरा मान जाएगा। वैसे इसके लिए मुझे कोई अपनी बॉडी पार्ट्स नहीं भेजनी पड़ी, हाँ इसके लिए ज़रूर भेजनी पड़ी है और डॉक्टर से कल चेकअप भी है मेरा, बट इसके लिए वापस उधार लिया मैंने। तो देखते हैं, 125 रुपये का मात्र, देखते हैं कैसा होता है। तो अमेज़न की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे अमेज़न की, कि ये छोटे से छोटे चीज़ों को भी पैक अच्छे से करके देता है, मेरे साथ तो अभी ऐसा ही होता है हमेशा। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी, उसका कोई मैं एफिलिएशन नहीं लगाने वाला, तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे, बट क्योंकि आपको भी हेल्प हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो इसके चलते आप टेम्पर्ड और बैक कवर भी उतना महंगा ना ले। बैक कवर मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ तो वो भी आता ही होगा, बट फिलहाल ये मैंने मंगवाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो उससे हेल्प ले सकते हैं। इसके अंदर पैकिंग देखिए, सो अच्छा लगता है मुझे इसका पैकिंग अमेज़न का। ये कुछ स्टिकर्स और क्लीनिंग, शायद क्लीनिंग थिंग है, स्टिकर और कुछ क्लीनिंग थिंग्स, इससे हम लोग वाइप कर सकते हैं स्क्रीन को। दिस टेम्पर थोड़ा भारी है क्योंकि फ़ोन मुझे हल्का लगा था, उसके लिए टेम्पर थोड़ा भारी है। मैंने ऊपर के नॉच के लिए भी कवर लिया है, तो अगर आप आईफोन पर ढंग से देखेंगे तो आपको इधर एक नॉच मिलेगा, बट मैंने पूरा एक कवर ले लिया है ताकि वो पूरा कवर हो जाए। अब मैं फ़ोन को बूट करूँगा तो आपको दिखाऊँगा उसके फ्रंट फेसिंग चीज़ें। तो देखते हैं, एंड हियर इट इज़, इसको बूट करते हैं। इट इज स्टार्टिंग, तो तब तक देखते हैं बूट होके कैसा लगता है। ये पहले तो फेस रीड करेगा ऊपर का नॉच, हेलो, आपको भी हेलो, किडनी बेच के बस नमस्ते और हेलो कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम सेटिंग अप कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन था, जो कि मेरे पास था, तो इससे
आप एप्पल में अपना सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस आपको www.apple.com/move-to-iOS एक साइट पे जाना है, और आप वहाँ से अपने एंड्रॉइड ऐप में वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ से आप कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है और आपको एप्पल सब कुछ इससे अच्छे से बता रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि एंड्रॉइड यूज़र्स अगर स्विच कर रहे हैं आईफोन में तो उन्हें कुछ ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए, बट फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताते रहूँगा। फिलहाल इतना ही, मैं इसी पर अपना वीडियो बंद करता हूँ, ज़्यादा लंबा करके फ़ायदा नहीं है। कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू वेरी मच।